एक जाने माने तेलुगु सुपरस्टार हैं, नाम है पवन कल्याण। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो असल में सीधे तौर पर बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स के गाल पर एक तमाचे की तरह लग सकता है। उन्होंने ये कहा है कि साल 2000 की बात है, मेरे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का विज्ञापन करने का ऑफर आया था और उस ज़माने में वो जितना पैसा शाहरुख खान को दे रहे थे उससे भी ज़्यादा मुझे ऑफर हुआ था मेरी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त तक ये जान चुका था कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए मैंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। और दोस्तों, एक तरफ हमारे बॉलीवुड के सारे खान कुमार्स हैं जो पिछले कई सालों से ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स को बेचते आए हैं, पैसा लेकर आपको जहर बेचते आए हैं, लेकिन पवन कल्याण जो इन दिनों आंध्र प्रदेश में अपनी पॉलिटिकल पार्टी जनसेना पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उस दौरान बातचीत में, भाषण में उन्होंने ये बात कही है कि मुझे अपने फैंस के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और क्योंकि मैं ये बात जान चुका था उस वक्त, इसलिए मैंने बहुत बड़े अमाउंट का जो ऑफ़र था, जो उस वक्त शाहरुख खान को ऑफ़र हुआ था उससे ज़्यादा मुझे ऑफ़र हो रहा था, मैंने उसको मना कर दिया। दोस्तों, अब आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप एक एक करके वो नाम लिखिए, वो सारे नाम जिन्होंने ब्रांड से पैसा लिया और आपको जहर बेचा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, यानी पर्दे पर हीरो का किरदार निभाने वाले इन चेहरों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और आपके सामने जहर पेश कर दिया कि जाइए इसे पी लीजिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बड़ा सितारा इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का, गुटखा और तंबाकू का ऐड नहीं करेगा तो ये नहीं बिकेंगे, ये तो बिकेंगे, जिन्हें खाना है वो खाएंगे, लेकिन एक बात होती है कि ये सारे के सारे बड़े सितारे, बड़े नाम अपने सर पर ये इल्ज़ाम लेने को तैयार रहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको पैसा दे दो, हम कैमरे के सामने बोल देंगे कि बहुत बढ़िया ड्रिंक है। तो ये होती है अंदर के ज़मीर की बात जो पवन कल्याण कर रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में और बॉलीवुड के बाहर भी जो नामचीन हस्तियाँ हैं उनके पास रोज़ाना ऐसे ऑफ़र आते हैं, उसके बाद उनके पाले में गेंद होती है, फैसला उन्हें लेना होता है, सोचना उन्हें होता है कि इस मोटे पैसे को अपनी जेब में रखकर क्या हम कैमरे के सामने खड़े होकर अपना ज़मीर बेचकर ये कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है, वो चीज़ जो वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते, वो चीज़ जो अपने चाहने वाले बिल्कुल चहेते लोगों को जिनके साथ रहते हैं उनकी फैमिली में उनको खाने को नहीं बोलते, लेकिन वो आपको बोलते हैं क्योंकि इस बात का उनको पैसा मिलता है। दोस्तों, ये है बॉलीवुड का काला सच और उन नामचीन हस्तियों का काला सच जो एक बार मशहूर हो जाते हैं सिर्फ आपकी वजह से और उसके बाद ब्रांड से बहुत सारा पैसा लेते हैं और आपको कुछ भी चिपका देते हैं। आजकल तीन घूम रहे हैं, शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ एक गाड़ी में घूम रहे हैं, उस गाड़ी में घूम के वो एक ब्रांड बेच रहे हैं, उस ब्रांड का तंबाकू गुटखा भी आता है, कुछ लोग कहते हैं हम तो इलायची बेच रहे थे, विस्की ब्रांड का पानी निकाल कर कहते हैं हम तो पानी बेच रहे थे, सरोगेट एडवर्टाइजिंग इसे कहते हैं। एक ब्रांड नेम जिस वजह से पॉपुलर हो जाता है, अगर आप उसकी डायरेक्टली विज्ञापन नहीं कर सकते तो उसी ब्रांड नेम से आप दूसरा प्रोडक्ट निकालते हैं और आप कहते हैं मैं तो इलायची बेच रहा था, गुटखा नहीं, मैं तो पानी बेच रहा था, बियर नहीं या विस्की नहीं। बात यह नहीं है कि क्या उनके ऐड करने से ही लोग खरीदते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये भ्रम है। कौन ऐसा होता होगा जो घर से निकलकर सोचता होगा कि आज मेरा तंबाकू खाने का मन है लेकिन मैं वही खाऊंगा जो शाहरुख खान बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक परसेप्शन होता है और एक परसेप्शन ये भी होता है कि ये पैसा लेकर आपको क्या दे रहे हैं। पवन कल्याण ने जो बात कही है ये बहुतों को झकझोरेगी और बहुत से लोग अपने कान में रुई लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे जो दसियों बीसियों साल से पैसा लेकर पर्दे पर जहर बेच रहे हैं। क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में, मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना मत भूलिएगा।